रिलेटेड टू योर टेस्ट, जैसे उन्होंने टेक्निक पूछी है कि ये चीजें हमें सेपरेट करनी है, उसके लिए फर्स्ट सेपरेशन टेक्निक कौन सी यूज होगी, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, तो ऐसे ही आपको सीक्वेंस में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं जैसे टेस्ट में थे। ठीक है, मैंने पूछा ना कि पहले आप कौन सी टेक्निक एम्प्लॉय करोगे, सेडिमेंटेशन, डिकंडेशन, फिल्ट्रेशन एम्प्लॉय करेंगे, इवेपोरेशन एम्प्लॉय करेंगे। ओके, तो ऐसे आपको सीक्वेंस में भी टेक्निक्स पूछ सकते हैं और यू कैन बी आस्क्ड अबाउट द प्रोसेस ऑल्सो, कोई भी टेक्निक है उसका प्रोसेस भी पूछ सकते हैं आपसे, कुछ भी है, सब्लिमेशन है, ठीक है, उसका प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। हाँ वही मैं कह रही हूँ, प्रोसीजर उनके स्टेप वाइज भी आपसे पूछ सकते हैं कि ये चीज है ऐसे गिवन है, ठीक है, मैंने इसको ऐसे सेपरेट करना है, व्हाट प्रोसीजर और व्हाट टेक्निक्स आई विल बी यूजिंग, व्हाट स्टेप्स आई विल बी एम्प्लॉइंग। तो क्या पता आपको ऐसे गिवन हो कि ए में कुछ स्टेप्स लिखे हैं, बी सी डी में ऐसे कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, दे आर इन सम ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं, सीरियल वाइज लिखे हैं, ठीक है, या बैक से स्टार्ट किए हुए हैं, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, फ्रॉम द स्टार्टिंग उन्होंने स्टार्ट किए हो सकते हैं या बैक से स्टार्ट किए हो सकते हैं, तो ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो यू विल बी रेडी विद ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट। हाँ जी, अमोनियम क्लोराइड को सैंड से, अच्छा अमोनियम क्लोराइड क्या कर जाएगा, सबलाइम कर जाएगा, तो आप डायरेक्टली उसको लो चाइना डिश में, आप डायरेक्टली उसको चाइना डिश में लो, ठीक है, मिक्सचर को, सैंड है कि क्या है, सैंड, सैंड के मिक्सचर को और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर को आप डायरेक्टली एक बिकर में ले लो, ठीक है, या चाइना डिश में ले लो, उसको हीट करना शुरू करो, हीट करोगे अमोनियम क्लोराइड का, सबलाइम, सबलाइम होके वो जो फनल है उनकी साइड पे जो है वो आ जाएगा, व्हाइट कलर के सॉलिड जो है वो आपके डिपॉजिट हो जाएंगे वहां पर। हाँ जी ठीक है, जो आपने इन्वर्टेड फनल रखी है वहां पे उसकी साइड पे व्हाइट कलर के जो क्रिस्टल्स हैं, सॉलिड जो है, ठीक है, वो जो है वो वहां पर डिपॉजिट हो जाएगा, पीछे जो आपकी चाइना डिश है उसमें क्या रह जाएगा, ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन सेपरेट। अब सैंड की जगह अगर सॉल्ट होता फिर, अच्छा अगर सैंड के साथ इमेजिन कर लो कुछ और होता, जैसे अमोनियम क्लोराइड है एक आपको दे दिया, सैंड दे दिया, एक सॉल्ट, ये तीन कंपोनेंट्स ले लेते हैं, ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड हो गया सेपरेट, फिर उसके बाद सैंड एंड सॉल्ट को कैसे सेपरेट करना है, बट अभी हमने पानी डालना ही नहीं सॉल्ट में, हम तो डायरेक्टली उसको हीट कर रहे हैं बस, अभी पहले हमने हीट किया डायरेक्टली, सब लाइम हो गया, अब मेरे पास सैंड एंड सॉल्ट जो है वो सॉलिड फॉर्म में दोनों पड़े हुए हैं, अब क्या करेंगे उसका, वाटर डाल देंगे, सॉल्ट कैसे सबलाइम कर जाएगा, सॉलिड कैसे सबलाइम कर जाएगा, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड सबलाइम कर गया, पीछे रह गया सैंड एंड सॉल्ट, ओके, तो अब ये क्या करेंगे, हम इसमें पानी डालेंगे, ठीक है, फिर पहले हम कर लेंगे फिल्ट्रेशन, ठीक है, सैंड को बाहर निकाल लो, फिर आप इवेपोरेशन कर लो, समझ आ गई, ठीक है जी, ओके रमनी, चलिए योर डाउट इज क्लियर नाउ। अमोनियम क्लोराइड हमने डिसॉल्व करना ही नहीं है क्योंकि हमने तो उसको सीधा सबलाइम करना है, तो आप पहले पानी नहीं डालोगे, पहले आप उसको सबलाइम करोगे, ठीक है, अदरवाइज वाटर के साथ वो सबलाइम नहीं करेगा। हाँ जी क्लियर हो गया, चलिए इन द क्रोमैटोग्राफी टेक्निक यू फर्स्टली टेक फिल्टर पेपर, उसके ऊपर स्पॉट लगाते हैं हम, ठीक है, तो ये सारा एक प्रोसीजर हो गया, तो आपसे ये सारा प्रोसीजर जो है वो इन डिटेल भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे हमने क्रोमैटोग्राफी की टेक्निक है, मैंने आपको कोई कंपोनेंट दिया, आप कैसे उसको सेपरेट करोगे, ठीक है, तो शॉर्ट शॉर्ट में आपको स्टेप्स पूछे होंगे तो आपको स्टेप्स भी बताने होंगे कैसे कैसे हैं, या आपको दो तीन स्टेप्स दिए होंगे आपने बताने उसमें से राइट स्टेप्स कौन से हैं, एप्लीकेशंस गिवन हो सकती हैं आपको, आपने एप्लीकेशंस बतानी है, ठीक है, सपोज चार ऑप्शंस आपको दी गई हैं, उसमें से जैसे अभी था तीन करेक्ट, तीन ऑप्शंस दिए थे उसमें दो करेक्ट थी, तो ऐसे करके भी आंसर आ सकता है, ठीक है, जैसे आपके टेस्ट में आपको तीन ऑप्शंस दिए थी ना उसमें से दो करेक्ट थी, ठीक है, तो आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं, तो एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड यू, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। बेटा जब आता होता है तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा,
तो स्टार्टिंग से ही हम कह रहे हैं एमसीक्यू है, सारे सारे ही एमसीक्यूज हैं, आपको पता चल गया। हाँ जी ओके, कमिंग टू योर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, सुन लो बेटा, योर केमिस्ट्री विल बी कैरिंग 16 मार्क्स, ठीक है। केमिस्ट्री 16 नंबर की है, तो सबसे ज्यादा वेटेज केमिस्ट्री की है, एक चैप्टर पढ़ना है बस, ठीक है। एक चैप्टर ही चाहे लंबा है, बट स्टिल इट इज कैरिंग मोर मार्क्स देन फिजिक्स एंड बायो, ठीक है ओके। बाकियों की आई डोंट नो वेटेज क्या है, बता दी बाकियों की। चलिए Now here is a question where you are given about the mixture. आपके पास मिक्सचर दिया हुआ है उन्होंने सैंड वाटर एंड मस्टर्ड ऑयल का, मस्टर्ड ऑयल। You are given a mixture of sand, water and mustard oil. और आपसे पूछा है कि कैसे आप इनको हर एक कॉम्पोनेंट को सेपरेट करोगे। हाँ जी लास्ट डेक्स बेटा रिपीट क्या करना, तीन चीजें दी हुई हैं आपको, आपने सेपरेट करना है इस मिक्सचर को। इतना टाइम इधर आके कर ले ऐसे ऐसे। ये मैथमेटिक्स इधर आके कर लो ऐसे ऐसे से जो तू कर रहा है बोर्ड की तरफ। सैंड वाटर और मस्टर्ड ऑयल सीधा सीधा दिख रहा है। सीधा सेपरेटिंग फनल में ले जाऊं उसको। ओके सो व्हाट कैन बी द फर्स्ट प्रोसेस, फिल्ट्रेशन से क्या होगा, ये कंपोनेंट आपका बाहर आ जाएगा। नाउ वी आर लेफ्ट विद वाटर एंड मस्टर्ड, देन वी विल बी एम्प्लॉइंग द, अब सपोज आपको ऐसे ही ऑर्डर पूछा हुआ है, ठीक है। उन्होंने तीन प्रोसेसेस लिख दिए हैं, लाइक फर्स्ट में आप फिल्ट्रेशन कर रहे हो, सेकेंड में आप इवेपोरेशन कर रहे हो, थर्ड में यू आर एम्प्लॉइंग दी सेपरेटिंग फनल टेक्निक, ठीक है ऐसे करके लिख दिया। सेकेंड में आपको पूछ रहे हैं या सेकेंड में बता रहे हैं यू विल बी फॉलोइंग द डिस्टिलेशन। ओके समझ आ गई, तो आपको ऐसे वो पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। अब इसके साथ साथ क्या क्वेश्चन लिंक हो सकता है कि जो आप सेपरेटिंग फनल का मेथड यहाँ पर एम्प्लॉय कर रहे हो and you are using this method for water and mustard oil, okay, now which component will be having the higher density, which component will be having the lower density, oil hai, oil it is having less density, theek hai, so this is the component with the less density, this is another MCQ question, okay, this is the another MCQ question, yahan separating funnel mein agar hum niche se dekhen to which will be forming the bottom layer and which will be forming the top layer, water will be forming the bottom layer and oil will be forming the, समझ आ गया, तो questions ऐसे बन सकते हैं, okay? A carpenter wants to separate iron nails from sawdust. Which method of separation will he choose? A carpenter wants to separate iron nails from sawdust. Last X, which method of separation should he will be using?
ओवर ही कर दिया मैंने, कहाँ ध्यान था आपका, तुम बोल दो, बोलो जो उसको बता रहे हो वही बोल दो बस। हाँ जी मिलन बोलो। मैग्नेटिक सेपरेशन वेयर ही विल बी यूजिंग द मैग्नेट इन ऑर्डर टू सेपरेट द आयरन नेल्स फ्रॉम द सॉडस्ट। ओके, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड आयोडीन। आयोडीन सब्लिमेशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट मीन्स अलग अलग पार्टिकल्स, ठीक है। सॉल्ट को आपने अलग करना है और आयोडीन को आपने अलग करना है, ठीक है। यहाँ पर दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं आपके, एक सॉल्ट है और एक आयोडीन, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स दे आर नोन एज द पार्टिकल्स दैट आर फॉर्मिंग एक्चुअली दैट सब्सटेंस। नेम वन पेयर ऑफ लिक्विड्स और नेम वन पेयर ऑफ सब्सटेंसेस हुज मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एयर, पेट्रोल, ठीक है, क्रूड ऑयल, यहाँ आप कह सकते हैं वो डिस्टिलेशन से होगा, ठीक है। हाँ जी 56 होगा बेटा। हाँ जी ठीक है, क्लियर है। सेपरेशन टेक्निक में कोई डाउट किसी को तो आप पूछ सकते हो। हाँ जी क्या बेटा, लोडिंग, लोडिंग मेथड हम किसके लिए एम्प्लॉय करते हैं, कई बार जो आप सेपरेशन करते हो, सपोज कई तो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं जो नीचे सेटल डाउन कर जाते हैं, ठीक है, बट देयर आर सम पार्टिकल्स, द लाइटर पार्टिकल्स जो यहाँ पर फ्लोट करते रहते हैं। जैसे आपने एग्जांपल्स पढ़ी होंगी एसपीएम की, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, वो एयर में हर टाइम प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, ना वो ज्यादा ऊपर है ना वो ज्यादा नीचे है, ओके। तो सेम इज द केस विद द लाइटर पार्टिकल्स, ठीक है। तो जो लाइटर फाइन पार्टिकल्स होते हैं डेट आर प्रेजेंट इन द वॉटर और डेट आर प्रेजेंट इन सम अदर मिक्सचर, उनको हमने क्या करना है, हमने हैवियर बनाना है, ठीक है। थोड़ा उनको हैवियर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसमें कुछ केमिकल सब्सटेंसेस ऐड कर देते हैं लाइक एलम। अब ये एलम क्या करेगी, केमिकल चीज है, ठीक है, तो ये इसके साथ क्या कर जाती है, रिएक्ट कर जाती है, इसको वेट दे देती है, ठीक है। सो ड्यू टू दिस इट बिकम्स हैवी, हैवी होने के कारण ये नीचे सेटल डाउन हो जाती है, ओके। सो दिस इज द लोडिंग मेथड, ओके। चलिए नेक्स्ट बताओ, ब्रेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ब्रेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड की कौन सी टाइप की एग्जाम्पल है, ब्रेड सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म में डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम कौन कौन से होते हैं, ये फॉर्म होगी फिर, सिंपल फॉर्म है। फॉर्म में कौन कौन से होते हैं फिर डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम, गैस एंड लिक्विड, तो फिर ये सॉलिड फॉर्म की एग्जाम्पल हुई, फिर गैस एंड सॉलिड, ब्रेड तो सॉलिड होती है, so that is an example of solid form, ठीक है। Okay, name a metal, you have to tell a metal that can be cut with knife, sodium and potassium, okay, which has low melting point, gallium, a non-metal which is lustrous, a non-metal that is required for combustion, a non-metal whose one of the allotropic form is a good conductor of electricity, पहले non-metal बताओ, carbon, ठीक है, and name the allotroph, graphite, other than carbon which shows allotropy, carbon के नीचे कौन सा है, सिलिकॉन, ठीक है, ये आपको नहीं पता, चलो ध्यान दो।
विच इज नोन टू फॉर्म द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड. सबसे ज्यादा कंपाउंड फॉर्मेशन कौन करता है? कार्बन ही करता है. ठीक है, कार्बन इट फॉर्म्स वेराइटी ऑफ कंपाउंड. ओके, नाउ आउट ऑफ दीज यू हैव टू टेल विच आर नॉट कंपाउंड. क्लोरीन गैस नहीं है, सिर्फ Cl2 है. पोटेशियम क्लोराइड, आयरन पाउडर, आयरन सल्फाइड, एल्यूमिनियम फॉइल, आयोडीन वेपर्स, ग्रेफाइट फॉर्म है, सिर्फ एलोट्रॉपिक फॉर्म है. ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर पाउडर एंड डायमंड. ठीक है, गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स. हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, उसमें आपने बताने कि कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है. हाइड्रोजन ब्रोमाइड एक होगी और दूसरा ब्रोमीन. ठीक है, एनीबडी नोज द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा? ये सेवेंथ क्लास में भी आप पढ़ के आते हैं. फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा एनीवन नोज? अभी सेवेंथ के बच्चे को बुलाओ ना, उसने भी बता देना है. वो सेवेंथ में और आप नाइन्थ में हो. आपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, फिर याद रह जाएगा. नहीं फिर आपसे टेंथ में पूछेंगे, फिर आपने कहना है हम तो पढ़ा है. अब अगर मैं तब कहूंगी कि नाइन्थ वाले बच्चे को बुलाते हैं, आपने कहना वो तो पढ़ रहे हैं. सोडियम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा. NaHCO3. ठीक है, NaHCO3. अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं NaHCO3 में? कार्बन एंड ऑक्सीजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन. ठीक है जी, ओके. द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज विच एनेबल कॉपर मेटल टू बी यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स. ऑप्शन तो सुन लो. कॉपर मेटल इज मेलेबल एंड डक्टाइल, मेलेबल एंड डक्टाइल. कॉपर मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कॉपर मेटल इज डक्टाइल एंड हैज लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. कॉपर मेटल इज सोनोरस एंड एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कॉपर मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बी ऑप्शन. कॉपर मेटल इज मेलेबल एंड डक्टाइल, ए ऑप्शन. कॉपर मेटल इज डक्टाइल एंड हैज लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, सी ऑप्शन. ए में वो कह रहे मेलेबल है, डक्टाइल है, कॉपर मेलेबल है. चलो मेलेबल है, मेटल्स मेलेबल और डक्टाइल दोनों होते हैं, बट उन्होंने पूछा है कि हम उसको इलेक्ट्रिकल वायर्स में यूज कर रहे हैं. इट हैज लो रेजिस्टेंस ऑल्सो, लो रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का टॉपिक पढ़ा है आपने, क्या थी? मतलब रेजिस्टेंस जो होती है वो क्या करती है, करंट को फ्लो करने से रेजिस्ट करती है. ठीक है, अगर लो रेजिस्टेंस होगी डैट मींस वो ज्यादा करंट फ्लो करने देगा उसको. ठीक है, सो सी इज द करेक्ट आंसर. Which of the following does not have fixed melting or boiling point? किसका इसमें से fixed melting या boiling point नहीं है? Gold, ethanol, air or oxygen? Why?
अच्छा, अगर आपने देखना है कि जो आपका वाटर है इट इज प्योर और नॉट, तो फिर आप कैसे चेक करोगे? इफ यू वॉन्ट टू चेक वेदर द वॉटर डैट इज गिवन टू यू इज अ प्योर वन और नॉट. अभी आपने क्या बोला है इसका आंसर? इसका एयर आंसर बोला ना. रीजन क्या था? वेरिएंट कॉम्पोजिशन है. अब जिस चीज की कॉम्पोजिशन वेरी कर जाती है उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी वेरी कर जाता है. अब आपके वाटर का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कितना है? फिक्स्ड. ठीक है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. ओके, अब अगर वैल्यू जो है वो 100 से चेंज हो गई, दैट मींस दैट इज नॉट द प्योर वन. क्योंकि जो प्योर वाला होता है उसका तो 100 डिग्री फिक्स्ड है. इफ द वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस देन दैट मींस द वाटर इज प्योर. बट अगर उसमें मिक्सचर आ गया है, कुछ इम्प्योरिटीज आ गई हैं, तो उसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो चेंज हो जाए. जैसे आपने अभी इसका एग्जांपल दिया. ठीक है, तो एयर जो है दैट इज हैविंग द वेरिएबल कंपोजिशन. बाकी सारे एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं तो उनकी फिक्स्ड रहेगी वैल्यू. क्लियर हो गया? चलिए I have also seen black water. देखना पड़ेगा. No idea. मैंने सुना था वैसे, एक दो बार उस पर आया था इस पेज पे. देखते हैं. चलो, what is the type of ink? कौन सा टाइप कोलाइड है इंक? इंक 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 इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन. डाइज है ना, डाइज बीच में स्कैटर होती है ना, आपको दिखती थोड़ी ना. दे अपेयर टू बी होमोजेनियस बट एक्चुअली दे आर हेट्रोजेनियस. सेपरेट कर सकते हैं हम उनको, तो वो कोलाइड्स हैं. इंक में अपोलो डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम कौन सा होगा? कौन सा डिस्पर्स फेस? डाइज किस फॉर्म में आएंगी? डाई किस फॉर्म में सेपरेट होगी? सॉलिड की. इवेपोरेशन हो जाती है ना, जब उसमें से पानी निकल जाएगा तो वो कैसे आएंगे फिर आपके पास? सॉलिड. ओके, तो डिस्पर्स्ड फेस कौन सा है? डिस्पर्स्ड फेस इज, डिस्पर्जन मीडियम इज. ठीक है, हेयर स्प्रेज बताओ. हेयर स्प्रेज, एरोसोल्स. एरोसोल्स की एग्जांपल्स में कौन कौन सी है? डिस्पर्स्ड फेस कौन सा है? हेयर स्प्रे में डिस्पर्स्ड फेस कौन सा है? लिक्विड इन, लिक्विड थोड़ा है, गैस ज्यादा. ठीक है, yeah.